मैं रामनगर गर्जा देवी मंदिर से आज दिनांक 20 अक्टूबर 2021 जितेंद्र पांडे बोल रहा हूँ। एक बार अभी मैं लाइव आया हूँ, आपको मैंने मंदिर के स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अभी मैं पुल के ऊपरी हिस्से में खड़ा हूँ, अभी आप देखिएगा कोसी नदी उधर काफ़ी है जो ये हमारे कैंपस के किनारे किनारे चल रही है। काफ़ी हद तक पानी कम हो चुका है, लेकिन कोसी का ज़्यादातर हिस्सा इधर जो मार्केट वाला एरिया था इसमें काफ़ी हिस्सा पानी का है और लगता है कि इस बार पानी की दो धारा बनेंगी। और ये जो पुल का जीने क्षतिग्रस्त हुए हैं इधर भी और उधर भी, इसमें पैर रखने का नहीं है, इधर में पैर रखने का नहीं है, नीचे उतरने का नहीं है, ठीक है, तो इधर में उतरने का नहीं है। इस वजह से मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा, एक निवेदन में सभी शासन से और सभी भक्तों से, जो गर्जा मंदिर का जितना भी नाम यहाँ पर लोगों ने सुना है, जो यहाँ आना चाहते हैं इस बीच में, मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा, मेरे निवेदन पर गौर फरमाइए, आप ये कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। इस निवेदन में बहुत ही कुछ परेशानी यह है कि यहाँ पर अभी हम मंदिर के जो सीढ़ियाँ हैं इससे नीचे को नहीं उतर सकते, मंदिर को हम दोबारा भक्तों के लिए खोलने में अभी टाइम लगेगा। इसलिए सभी लोगों से हमारा निवेदन है, अपनी गर्जा देवी मंदिर की यात्राओं को कुछ दिनों के लिए टाल दें। ये मैं सीरियसली सबसे निवेदन करना चाहता हूँ। अभी आधिकारिक तौर पर घोषणा माननीय क्षेत्र के जो SDM महोदय हैं उनके द्वारा की जाएगी और हमारा भी उनसे यही निवेदन होगा कि गिरजा देवी मंदिर की यात्रा को अगले कुछ दिनों के लिए स्थगित करवाने के लिए शासन से आधिकारिक तौर पर इसकी पहल की जाए। कृपया अपनी यात्रा को कुछ दिनों के लिए टाल दें, क्योंकि पुल से नीचे उतरने का बिल्कुल नहीं है, कुछ मरम्मत कार्य होना होगा, अभी कुछ दिनों में होगा, अभी परिस्थिति का आकलन किया जाएगा। PWD के और इंजीनियर वगैरह यहाँ पर आएंगे, उनके द्वारा काफ़ी आकलन किया जाएगा। देखिए ये जीना है ना, ये देखिए आप, ये जीने के ऊपर ये लट्ठा है, ये और इतना पानी यहाँ पर है, इधर में कोई भी पब्लिक इधर में नहीं है ना। हम इधर से अभी हम इसको ऊपर से बंद करने वाले हैं, शासन प्रशासन के द्वारा इसको हम ऊपर बंद करने वाले हैं। अभी हम आपको रिपोर्ट देने के लिए यहाँ पर आ गए, आपको सूचना देने के लिए आ गए, लेकिन जाते जाते एक निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे कि घूमने के लिए भी नहीं आए, कुछ और काम करें और अगले कुछ दिन के लिए, जब तक स्थिति साफ हो जाएगी, कुछ मरम्मत कार्य हो जाएगा, गर्जा देवी मंदिर आपके लिए खुलेगा। अभी कोई संभावना नहीं है, माता का मंदिर खड़ा है अपनी जगह, हम पूजा अर्चना करवाते हैं वहीं से, वो जो कैंपस है वहीं हमारी देवी की, अभी कोई उधर को नहीं जा रहा है, मंदिर में कोई भी नहीं जा रहा है, खुद पंडित जी भी नहीं अभी जाएंगे उधर को। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है इधर को ना आकर के वहीं से हाथ जोड़ें। हम आपके साथ लाइव इसीलिए आए हैं, हमारा उद्देश्य यही है परिस्थितियों से आप लोग सबको अवगत कराना। एक बार आप सब लोग, मैं यहाँ पर से, ये जो पुल है काफ़ी हद तक नुकसान पुल को और मंदिर के नीचे वाले हिस्से को हुआ है, देखिएगा ये, देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, इतना पानी तो इधर ही है, बहुत पानी है, काफ़ी समय लगेगा, अभी ये नक्शा बदलेगा। कोसी नदी अपना स्वरूप पुराना आकार ले रही है, ये इसकी टाइल टूटी है यहाँ तक, ये नीचे से लेके ऊपर तक है कम से कम 20-25 नंबर की सीढ़ी है, आधे पुल तक तो ये यहाँ पर टाइल टूटी हुई है। और इतना नुकसान होने के बावजूद भी माता रानी का जो ये मंदिर है यहाँ पर, ये अविरल यहाँ पर खड़ा है, नहीं 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 इसमें गिरोगे आप,
उसे मना है बिल्कुल, यहाँ से बंद कर देंगे हम लोग इस, मना देखो आप इस न्यूज को डाल दो, आप ये वाली बात को डालो कि यहाँ से पैर रखने में ही देखो वहाँ पैर रखो आप पता चल जाएगा टेढ़ा है ना। हाँ अब आप हाँ ये देखो हो रहा नहीं हो रहा गड़बड़ तो इधर तो ये देखो ये तो इसलिए इधर को अभी इसको भी बता दो कि इसमें नुकसान है। हाँ खाली पीडब्ल्यूडी वाले में नुकसान, इसको बंद करेंगे उधर से कोई नहीं जाएगा, खाली की अब चोट लगेगी। हाँ उधर आ जाओ गाँव वाले। हाँ हाँ चलो मैं एक बार जाते जाते एक बार फ्रेंड से आपको माता रानी के मंदिर के दर्शन कराना चाहूँगा। आज मौसम साफ है, बादल हैं, वाष्पीकरण वाले बादल होंगे, वाष्पीकरण हो रहा होगा लेकिन फिर भी बादल है। अभी एकदम से धूप नहीं आई है, 8:30 से ऊपर हो चुका है, 9 बज गया है। हाय लकड़ी के लिए लकड़ काफ़ी नुकसान मंदिर के नीचे वाले हिस्से में हुआ है, ये वाले हिस्से में ये